अप्रैल को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंजाबी भवन कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। यह कोई जनसभा नहीं होगी बल्कि कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भूपेंद्र हुड्डा करेंगे। इसी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला में कुरुक्षेत्र ग्रामीण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और ज्यादा से ज्यादा संख्या में 30 अप्रैल को पंजाबी धर्मशाला में पहुंचकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर उनको और कांग्रेस को मजबूत करने की अपील भी की। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक समिति सदस्य, पंच सरपंच के अलावा कुरुक्षेत्र ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तारीख को हुड्डा साहब आ रहे हैं। हुड्डा साहब का सम्मान समारोह है और इस सम्मान समारोह में किस ढंग से अच्छा किया जाए, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह। मुझे लगता है कि जो जगह हमने च्वाइस की है कम पड़ेगी, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग आए क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं और निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। लोगों के मन में एक चाव है, लोगों के मन में एक उत्साह है अपने नेता से मिलने से। तो निश्चित रूप से न केवल कार्यकर्ता बल्कि पूरा थानेसर हल्के के लोग यहाँ पर शामिल। कार्यक्रम सिर्फ आपस में रूबरू होना और चाय पानी का कार्यक्रम है सिर्फ, और कोई प्रोग्राम नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलने का।